अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील है और मैं ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर से बात कर रहा हूँ। हम आज आपको बेरी ऑर्चर्ड फेस फोर का रिव्यू देंगे, G1 ब्लॉक का। इस वक्त हम फेस फोर के एंट्रेंस पे खड़े हैं, जो कि अड्डा प्लॉट से 4 किलोमीटर की मुसाफत पे है, और आ जाएँ इसके बाद हम आपको अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं G1 ब्लॉक की। थैंक यू। जी, हम ये बैरिया ऑर्चर्ड फेस फोर में एंटर हो गए हैं, और एंटर होते साथ लेफ्ट साइड पे ये टाइम्स के वो माहौल एंड रेजिडेंस है, जिसकी आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है, और इंशाल्लाह विद इन ईयर ये कंप्लीट हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। आया इसके आगे हम आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स की और बाकी चीज़ों की इंफॉर्मेशन देते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेस फोर में एंटर हो चुके हैं और ये इस वक्त हम G1 ब्लॉक में खड़े हैं। अगर और आज मैं आपको इसी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन दूँगा। अगर हम G1 ब्लॉक की बात करें तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे सक मॉस्क है इसकी, और जो कि फुली ऑपरेटिव है और फंक्शनल है। और इस G1 ब्लॉक में मोस्टली कटिंग 1 कनाल प्लॉट्स की है, और कुछ प्लॉट्स इसमें 5 मरलास के भी हैं। और 1 कनाल की यहाँ पर एस्टिमेटेड प्राइस 1 करोड़ 40 लैक्स से लेके 1 करोड़ 70 लाख तक है, जबकि 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस 50 लाख से 70 लाख तक है, ऑन डिपेंड ऑन लोकेशन। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉक की या बेरी ऑर्चर्ड के बारे में आपको चाहिए हो, तो काइंडली मेरा नंबर पॉपअप हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।